बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामियों और बेसिक टेक्निक जो कहीं ना कहीं ये क्रिकेटर्स भूल चुके हैं। इस वक्त जहां पर मौजूद हैं ये वो ओरिजिनल विकेट है जहां पर स्पाइक्स पहनकर बॉलर्स और बैटर्स जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, मैच खेलते हैं। एक प्रॉपर दो विकेट्स हमारे पास, एक ये ड्राई विकेट और एक जो ग्रीन विकेट की बात की जाती है जो पिंडी में बनाने की कोशिश की है वो मेरे लेफ्ट साइड पे है। दोनों जानते हैं सलमान भट्ट साहब से कि इन दोनों में फर्क क्या है और यहाँ पर किस विकेट पे बॉलर को हेल्प मिलती है और किस विकेट पर बैटर को हेल्प मिलती है। भट्ट साहब, इसी विकेट की अगर बात कर ली जाए, एक पूरा ट्रैक मौजूद है, ड्राई विकेट लग रही है, बीच में कुछ क्रैक्स भी हैं, बेसिक्स क्या हैं? देखिए, बेसिक्स ये है कि अगर हम इस पिच के ऊपर बैठ जाएं हमजा अभी और आप इस पे अपना हाथ फेरें, आपको रफनेस फील हो रही है, आपको अब्रेसिव सरफेस थोड़ी सी जैसे रगड़ लग रही है हाथ पे, तो इसका मतलब है कि ये पिच जो है वो अब्रेसिव है, तो ये ग्रिप करेगी बॉल को, इस पे बॉल ब्रेक होएगा। ठीक है, बॉल ब्रेक होएगा और ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, स्लो पिच होएगा और ऐसे पिच के ऊपर स्पिनर्स को तो स्पिन मिलेगा मिलेगा। अगर फास्ट बॉलर भी इधर हिट द विकेट मतलब आके गेंद मारते हैं और अपनी कह लें कटर्स करते हैं या चेंज ऑफ पेस करते हैं तो बैटर्स को मुश्किलात होंगी इसमें बॉल को टाइम करने में, क्योंकि बॉल ऑफ द विकेट इतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि ये इस पर बारिश हुई हुई है। हालांकि ये प्रिपेयर्ड है बट पिछले 3-4 दिन की बारिश की वजह से नीचे से थोड़ी सी नरम है पिच, नीचे से टॉप सरफेस नहीं। इसका आपको पता ऐसे चलेगा कि ये जो वाइट स्पॉट्स है ना, जब आप आगे जाएंगे जहाँ जहाँ ये ज्यादा वाइट स्पॉट्स है ना तो वहाँ वहाँ से पिच में डेंट्स होंगे हल्के हल्के, आप हाथ लगा के फील कर सकते हैं। बिल्कुल है, डेंट्स हैं, बिल्कुल है। तो ये जो डेंट्स है ना, ये बता रहे हैं आपको कि ये जो पिच है ये पूरा हार्ड नहीं है, वरना ये डेंट्स नहीं होने थे पिच में। ये थोड़ा सा नीचे से मॉइस्चर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है और इस पे आज जितनी भी प्रैक्टिस हुई है बैट्समैनों के लिए आसानी नहीं थी। बॉल थोड़ा सा ग्रिप होके थोड़ा मूव भी कर रहा था, एक्स्ट्रा बाउंस भी एट टाइम्स ले रहा था और बैटर्स जो थे वो थ्रू द लाइन हिट नहीं मार पा रहे थे। इसी तरह आगे अगर हम चले, जब आपने स्पिनर्स की बात की और जो स्पाइक्स का रफ क्रिएट होता है, ये आपके दोनों तरफ जो है ना स्पाइक्स का रफ है। अब अगर एक बैट्समैन है इस तरह के पिच पे और वो ये क्रीज के ऊपर लेट से खड़ा हो जाता है, यूं आ जाता है, तो एज अ स्पिनर आपके पास ये भी रफ है काम करने के लिए और ये भी रफ है। तो अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और अगर आप इस रफ से मुझे बॉल स्पिन करें, ये तो खैर मैनेजेबल है, इससे थोड़ा सा आगे और ज्यादा यूज होती तो वहां भी रफ होता, वो फिर बैटर के लिए टफ हो जाता। अच्छा, रफ क्रिएट करना पड़ता? हो जाता है, नेचुरली भी हो जाता है। अगर एक बॉलर इधर से आ रहा है और उसने बॉल किया और फिर उसके बाद फॉलो थ्रू में गया तो वो बार बार पूरा दिन बॉलिंग होनी है, 5 दिन होनी है, तो रफ क्रिएट होते हैं दोनों तरफ होते हैं। और उससे फिर स्पिनर्स 4th-5th दिन इसलिए ज़्यादा फायदा उठाते हैं टेस्ट मैचेस में क्योंकि अच्छे खासे रफ दोनों तरफ क्रिएट हो जाते हैं, स्पेशली एशियन कंडीशंस में और कई जगह पे तो इंडिया में स्पेशली वो ऐसी पिचें बना देते हैं कि पहले दिन ही लगता है रफ है पिच, पहले दिन ही वो सारी उखड़ जाती है तो बैटिंग उसके ऊपर बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन उनके क्योंकि स्पिनर अच्छे हैं और वो स्पिनर्स को डिसेंट खेलते हैं तो वो उस पे मैच जीत लेते हैं मोस्ट टीमों से। अच्छा सलमान भाई, आप यूजुअली जब डिस्कस होती है विकेट बात किया करते हैं कि इस सरफेस का ताल्लुक ऊपर से होता है, लाइक एट टाइम्स, यस, क्योंकि आपकी अगर ओवरहेड कंडीशंस जो हैं वो ओवरकास्ट हैं, बादल आया हुआ है स्पेशली इंग्लैंड में, वैसे तो हल्का फुल्का उससे हर काफ़ी जगहों पर फर्क पड़ता है लेकिन अगर इंग्लैंड में स्पेशली आया हुआ है, लेट्स से एक जगह हेडिंगली लीड्स का ग्राउंड है, उधर तो एट टाइम्स ये कहते हैं कि डोंट लुक एट द ग्राउंड, लुक एट व्हाट इज अप इन द स्काई, क्योंकि वहीं पे अगर धूप निकल आए तो वो बैट में अच्छा आना शुरू हो जाता है, जैसे ही बादल आते हैं तो बॉल स्विंग होना शुरू हो जाता है। सो ये हर जगह जगह की कंडीशंस हर कंट्री में जाएं थोड़ी थोड़ी डिफर करती हैं और आपको उसका एक्सपर्ट होना चाहिए क्योंकि उसी के मुताबिक से आप अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं, उसी से आप अपनी प्लेइंग 11 और अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और वहीं से गेज करते हैं कि यहाँ पर कितने रन्स हम चेस या डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप बीइंग कैप्टन अगर बात की जाए, इस विकेट को आपने रीड करना है, क्या आपका डिसीजन होगा? अभी इस टाइम जो ये विकेट में क्रैक मौजूद हैं, रफ पैचेस मौजूद हैं, ग्रास है नहीं है, सरफेस फ्लैट नहीं है, मॉइस्चर आप कह रहे हैं कि इसमें माइल्ड सा है क्योंकि बारिश हुई है, तो इस पर आप क्या फैसला करेंगे? देखिए, अगर तो जिस तरह आपने देखा भी रफ क्रिएट हुआ हुआ है और इसमें ग्रिप बढ़ता जाना है तो फिर तो मैं इस पे पहले बैटिंग कर लूँगा, पहले बैटिंग इसलिए कर लूँगा कि ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट है, धूप लग नहीं रही, इसने कहीं से सूखना नहीं है, ये ऐसे ही रहना है, बल्कि स्पाइक्स के साथ और ज़्यादा रफ क्रिएट होगा। तो जब और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें क्रिएट होंगी तो बैटिंग इस पे जैसे जैसे मैच लंबा जाएगा बैटिंग मुश्किल होती जाएगी, तो आप पहले बैटिंग करके जो आसानी है वो अपनी टीम को दे दें और जो फिर रफ क्रिएट हों वो आपकी बॉलिंग यूज़। अच्छा, हमने यूजुअली देखा है कि इंटरनेशनली विकेट पर बड़ी शाइन शो हो रही होती कैमरा पे,
रोलर की होती मदद है शाइन। अच्छा, इस कदर शाइन होती है कि दुबई शारजा में तो आपको मुंह नजर आ रहा होता है उसमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर। और वो बहुत ही शानदार बैटिंग ट्रैक्स होते हैं, उसके ऊपर बॉल जो है वो बड़ा ट्रू बाउंस और ट्रू पेस के साथ आता है। और यहाँ पे एक बॉल बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये क्योंकि बारिशें हुई हुई हैं तो इस वजह से आज थोड़ा सा ग्रिप है इसके अंदर। अच्छा ठीक है, ये प्रॉपर विकेट है। अगर बात की जाए गुड लेंथ का बॉल किस जगह पर गिरता है, फुल लेंथ कहां तक जाके आता है, क्योंकि हमारे बॉलर्स जो हैं वो यॉर्कर करना भूल गए, डेथ ओवर्स में यॉर्कर की स्पेशलिटी हुआ करती थी। 6 to 8 यार्ड्स के मार्कर्स होते हैं जो आपने स्क्रीन पे देखे होंगे, ऑब्वियसली वो आइडेंटिफाइंग मार्कर पिच पे तो नहीं होता, लेकिन वो जब मैच में ग्राफिक्स दिखाते तो उसके ऊपर आ रहा होता है। तो 6 to 8 फीट जो है ना, वहाँ पर वो ऐसा एरिया जो वनरेबिलिटी होती है कि बैटर श्योर नहीं होता कि आगे जाए या पीछे आए, वहाँ पर बॉलर अगर कंसिस्टेंटली बॉल करता है तो बैटर को खासी मुश्किलात होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया ड्राई विकेट जिसमें घास कम है। अब जो कि बड़ी बात की जाती है जनाब, टॉप नॉच ग्रीन विकेट जो हमें ये साथ नज़र आ रहा है, फुली उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें ये तो प्रॉपर आम बंदा अगर देखे तो ये ग्राउंड का हिस्सा है ना कि विकेट का हिस्सा है, ग्रीन बिल्कुल जिस तरह से पहचे। इसको किस तरह से तैयार किया जा सकता है जो कि पिंडी के लोग नहीं कर सके, क्यूरेटर नहीं कर सके, बाहर से हमने मंगवाए हुए वो नहीं कर सके, और ये जो है हमजा क्यूरेटर्स ने की है तैयार पिंडी में। बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त मौसम आपको पता है इतना गर्म है कि आप जितना मर्जी उस पर घास और मॉइस्चर छोड़ दें, लेकिन 2 से 3 घंटे की जो तेज़ धूप है वो उसमें मॉइस्चर छोड़ती नहीं है, रहने नहीं देती। तो इस मौसम के अंदर आप उसको उस तरह से नहीं बना सकते कि 3 दिन 2 दिन आपको वो पिच अपना इफेक्ट दे। वो जैसे जैसे धूप लगती जाती है वो पिच आसान से आसान होता जाता है, वो इजी पेस्ट उसमें स्विंग और सीम कम होता जाता है। तो ये हमने भी काफ़ी देर से यहाँ पे क्रिकेट हमें बहुत कम करानी पड़ती है ताकि ये घास मेंटेन किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान में वेदर ऐसा है, इस ग्राउंड में वॉल्यूम ऑफ गेम्स इतना है कि हर महीने हमारे इस जगह पर 15 से 16 मैच होते हैं, 15-16 दिन इस स्क्वायर के ऊपर मैच होते हैं, और उसके बावजूद एवरी गेम स्पाइक्स के साथ होती है, सारे नेट्स स्पाइक्स के साथ होते हैं, इजाज़त ही नहीं है स्पाइक्स के बगैर खेलने की। तो ऐसे में ये मेंटेनेंस का जो सेहरा है ना वो ये ग्राउंड्समैनों के सर जाता है। ये एक मुश्ताक खड़ा हुआ है जो हमारा कह लें वाइस कैप्टन है क्यूरेटर्स का, इसी तरह अभी यहाँ पर रिजवान था, रिजवान जो है वो चीफ क्यूरेटर है, और ये दोनों बहुत शानदार काम करते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा घास है जो कि अभी ये तैयार होनी है, इसके ऊपर रोलर का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी वजह से बिल्कुल फ्लैट, और घास की अगर मैं पूछूँ ग्रो करवाया जाता है या ऊपर स्प्रिंकल की तरह करके फिर ऊपर रोल अप किया जाता है? वो तो डेड ग्रास होता है, ये लाइव ग्रास है, ये इसकी जड़ें इस पिच के अंदर हैं। और यूजुअली लाइव ग्रास होता है, लाइव ग्रास ही होता है तभी मूवमेंट होती है। अगर तो वो आपने डेड ग्रास या कटा हुआ घास ऊपर लाके फेंक दिया तो वो तो सिर्फ कलर देती है, वो इफेक्टिव नहीं होती। इसके तो जड़ें अंदर हैं, तो इसके ऊपर जब बॉल लगता आके तो फिर मूवमेंट होती है, क्योंकि इसकी जड़ें हैं, डिविएशन होती है, ऑब्वियसली ये मॉइस्चर भी ज्यादा देर तक होल्ड करती है क्योंकि लाइव ग्रास है उस वजह से। सो आप देख भी सकते हैं अभी इसको कि कितनी ये नीचे से गीली है। इसको इस तरह रखा गया था कि इसमें ये घास पहले इसको लगाया गया था, फिर इसको अंदर मजबूती पकड़ी इसने और अब इसको उगने का मौका दिया गया, और अब ये है कि इस पर कम क्रिकेट होगी तो ये हम मेंटेन कर सकते हैं, अगर इस पर ज़्यादा खिलाएंगे तो ये उड़ जाएगा। थोड़ी सी बैटिंग टेक्निक की बट सब बात कर लीजिए, बींग अ बैटर शॉर्ट पिच बॉल पे हमें हमारे सारे बैटर्स को बड़ा मसला होता है, हम पुल करने जाते हैं, हम कैच बॉल हवा में रख देते हैं, उस ट्रैक पर ज्यादा मुश्किल होता है या इस ट्रैक पर ज्यादा मुश्किल होता है शॉर्ट बॉल खेलना जिसको आप पुल करने जाते हैं, जो हमारी एक कमजोरी है तमाम देखें इस ट्रैक के ऊपर। तो जो शॉर्ट बॉल है ना उसको अगर आप अच्छा खेलते हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज शॉर्ट बॉल के ऊपर आपको ये मसला नहीं होगा कि बॉल सीम या स्विंग हो रहा है। ये वो पिच है जहां पे आगे से बॉल ने स्विंग होना है, सीम होना है, तो आप ड्राइव जोर से मारेंगे तो स्लिपों में गली में बॉल जाने का चांस है। जितना बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ होगा उतना आप कट या पुल मारने की अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं, उसकी मूवमेंट इतनी मैटर नहीं करेगी। तो ऐसे पिच के ऊपर आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट तो जो मौका मिले वो मेरे ख्याल में ज़ाया नहीं करना चाहिए, और एज अ ओपनर आपको नया बॉल इन स्विंग एज्यूम करना चाहिए, अगला बॉल एज्यूम करना चाहिए, और बाहर का बॉल कोशिश करनी चाहिए कि अर्लियर ऑन आप ना खेलें जब तक आप सेट ना हो जाएं। और अगर मूवमेंट होती ही जा रही है जैसे कि इंग्लैंड में होता है तो फिर लोग 100-100 भी कर जाते हैं फिर भी बाहर वाला बॉल छोड़ रहे होते हैं। तो इट इज़ अबाउट बींग इन द हैबिट्स कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, किसको खेलना है, किसको छोड़ना है, आपको ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए, और अगर आप बॉलर का हाथ देखते हैं तो उससे भी काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान। अच्छा, अब चूंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करने की तैयारी कर ली गई है, यूजली डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को ये विकेट मिलेंगी या वो विकेट मिलेंगी पाकिस्तान? दोनों मिलनी चाहिए, ये वाली पे उसकी तैयारी और होगी। ग्रीन पिचेस देखिए, जब आप सीजन खेलते हैं तो उसका मकसद ही ये होता है कि आप अडेप्टबिलिटी की तरफ जाएं। अगर आप इस पे खेलेंगे टोटली डिफरेंट टेक्निक से खेलना पड़ेगा,
उधर जाएंगे टोटली डिफरेंट क्रिकेट होगी, और उससे आगे चले जाएंगे जो रफ है स्पिनर्स के लिए है, रिवर्स स्विंग है, वहाँ पे टोटली डिफरेंट होंगी। ये बीच में जहाँ पे कवर पड़ा है दूर से भी शॉट मारेंगे तो लगेगी इतनी बैटिंग पिच बनी हुई है। सो हर पिच के ऊपर स्लाइड आपको अडेप्टबिलिटी शो करनी पड़ती है, स्लाइड चेंजेस होते हैं, कहीं बाउंस ज़्यादा होता है, कहीं थोड़ा बॉल नीचे रहता है, कहीं सीधा आता है, कहीं थोड़ा सा रुक के आता है, कहीं मूवमेंट होती है। तो बैटिंग है ही अडेप्टेबिलिटी, जितनी आप में हो, जितना कंट्रोल हो, उतने आप सक्सेसफुल हैं। अच्छा, एट दी एंड बट सब जानना चाहूँगा, डोमेस्टिक क्रिकेट की बार बार बात हो रही है, अब वो जो बॉल का शोशा छोड़ा गया डूक बॉल और कुका बुरा बॉल, विकेट का बॉल से भी कोई लिंक होता है उसकी मूवमेंट पे बॉलर के हेल्पफुल? हमजा, बॉल हाथ में होता तो ये बात ज़्यादा अच्छी थी करने के लिए, क्योंकि सवाल बड़ा अच्छा है। ड्यूक का जो बॉल है ना, उसकी सीम बड़ी होती है और बड़ी प्रोमिनेंट होती है और वो रहती है, वो ख़त्म ही नहीं होती, 80 ओवर गुजर जाते हैं वो रहती है। कुकुबरा की 20-25 ओवर के बाद सीम तकरीबन साथ लग जाती है, कुकुबरा में मूवमेंट कम होती है ऑफ द पिच भी इन द एयर भी। ड्यूक ऐसा बॉल है जो 8-9 ओवर के बाद ज़्यादा हिलना शुरू हो जाता है और फिर चलता है वो। तो ड्यूक स्पिनर्स के लिए भी ग्रिप में जो है ना काफ़ी मदद करता है, और जो इंडिया का एसजी बॉल है वो भी ड्यूक से मिलता जुलता है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी अपना बॉल तैयार नहीं किया, पाकिस्तान में ग्रेज है, एक दो और कंपनीज हैं, लेकिन वो भी बॉल बनाती है। लेकिन पहले होता था, जब हमने फर्स्ट क्लास शुरू की तो ग्रेज का बॉल होता था, लेकिन फिर पाकिस्तान कभी कुकुबरा पे जाता है, कभी आता है ड्यूक पे। हालांकि पाकिस्तान का ये जो अगले 9 के 9 टेस्ट मैच कुकुबरा से हैं, हमने ना जाने क्यों अपना डोमेस्टिक सीजन ड्यूक से रख लिया, क्योंकि यहाँ से अगर कोई लड़का टेस्ट के लिए सिलेक्ट होगा तो इमीडिएटली उसका बॉल चेंज होगा, और जब वो ड्यूक से कुकुबरा पे जाएगा तो कुकुबरा करना बड़ा मुश्किल है। ड्यूक से तो हर तकरीबन हर मीडियम पेसर आप देखेंगे विकेटों में होगा, तो बॉलर के लिए सूटेबल ड्यूक का बॉल रहता है, बहुत सूटेबल, ठीक है, और कुकुबरा उसको बैट्समैनों का जानी दुश्मन है, करना मुश्किल है। बहरहाल ये वो आसान सी चीज़ें हैं जिस पर हायर मैनेजमेंट, कप्तान से लेकर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो समझने से कासिर हैं। शायद ऐसा हमें लग रहा है जिस तरह से सलमान बट साहब ने इजी वे में तमाम चीज़ें बताई हैं।